जय हिंद स्टूडेंट्स, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आज अपर निजी सूची परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन लेना स्टार्ट कर दिया है, जिसकी अंतिम तिथि 19 अक्टूबर है। 19 अक्टूबर तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एक नया सिस्टम आया है कि आपको ओटीआर पंजीकरण कराना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपके पास ओटीआर नंबर नहीं है तो आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक ओटीआर नंबर नहीं लिया है, प्राप्त नहीं किया है, तो ये वेबसाइट दी हुई है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। वहां पर आप क्लिक करके सारा प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं और अपना ओटीआर नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आप मान के चलें कि 24 घंटे का समय लगता है ओटीआर नंबर जनरेट होने में, तो इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करें, ठीक है। तो ओटीआर नंबर जब आप जैसे ही आपको मिल जाएगा, तब आप इस वेबसाइट पर जाकर, जो यूपीपीसीएस की वेबसाइट है, वहां पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सारी प्रक्रियाएं वही हैं जो चीज़ें हैं। तो अपन निजी सचिव के लिए हम लोग अगर बात कर लें, आवेदन शुल्क में इन्होंने 25 रुपये की ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए बढ़ा दिया है, जो पहले नहीं होता था। और जो रिक्तियां हैं अपन निजी सचिव पद के लिए, जो रिक्तियां हैं वो इस समय कितनी हैं, 328 कितनी हैं, 328 रिक्तियां हैं। हो सकता है कि जब आवेदन हो जाए और पेपर के होते होते ये रिक्तियां कुछ बढ़ भी सकती हैं, घटने की संभावना नहीं है। अगर आप बात करें कि पे लेवल क्या है, तो वेतनमान 47,600 से 151,100 रुपये है, और मैट्रिक्स लेवल जो है वो आठवां है। आठवां मैट्रिक्स लेवल का मतलब होता है कि ग्रेड पे आपका 4800 है, ओके। तो चलिए अब इस वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं जो अपन निजी सचिव है। तो अपन निजी सचिव की जो ये वैकेंसी है, उत्तर प्रदेश सचिवालय, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद, ठीक है, इन तीन जगहों पर ये अपन निजी सचिव अपॉइंट किए जाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे अपन निजी सचिव जो उत्तर प्रदेश सचिवालय हैं, तो उनके लिए क्या होता है। तो आवश्यक जो अर्हता है ना, वो क्या है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की उपाधि, स्नातक की उपाधि होनी चाहिए या उसके समकक्ष जो उपाधि होती है। तो मोटा मोटा आप ये समझिए कि आप ग्रेजुएट होना अनिवार्य है आपका। उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट है वो सबसे ज़्यादा कि हिंदी अश्वलेखन में न्यूनतम 80 शब्द, ठीक है, प्रति मिनट की गति होनी चाहिए, और कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति होनी आवश्यक है, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा में इसका कोई प्रयोग नहीं होगा, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा जब आप पास कर लेंगे, उत्तीर्ण कर लेंगे, उसके बाद इसका एग्जाम अलग से होगा, ठीक है। तो ये दो तो कंपलसरी हो गए। उसके अलावा जो कंप्यूटर के लिए है, तो कंप्यूटर के ज्ञान के लिए जो आवश्यक है, उसके लिए डिप्लोमा जो आपके पास होना चाहिए CCC का होना चाहिए, ठीक है, जो NIELIT से सर्टिफिकेट कोर्स होता है, सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटिंग CCC, या किसी भी सरकारी संस्थान, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से जो समकक्ष पाठ्यक्रम होता है। अमूमन क्या होता है, ग्रेजुएशन में भी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट दे देते हैं, तो वो भी इसी के इक्विवेलेंट हो जाता है। इसके अलावा कुछ अधिमानी अर्हताएं हैं कि ये सारी चीज़ें अगर समान हो गई तो किसको हम वरीयता देंगे, ऐसी अर्हताएं अधिमानी अर्हताएं होती हैं। तो अर्हता में जो अधिमानी है, यानी कि जिनको वरीयता मिलेगी, जिनको अधिमान मिलेगा, कि प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा करी हो, या जो NCC है उसका बी प्रमाण पत्र मौजूद हो उनके पास। तो ये जो योग्यताएं थी उत्तर प्रदेश सचिवालय के अपर निजी सचिव के लिए थी, सेम यही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए भी है, जो भी ऊपर था, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी में स्नातक की उपाधि या समकक्ष जो अर्हता है वो होनी चाहिए, न्यूनतम 80 शब्द। और अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, हिंदी अश्वलेखन में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट और हिंदी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की गति धारित करना आवश्यक है। दोनों में बस डिफरेंस ये है कि लोक सेवा आयोग और यहाँ पर देखिए आपको कहा है कि कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में, ठीक है, और यहाँ पर हिंदी टंकण में। हालांकि इन्होंने ये डिवाइड नहीं किया है, यहाँ पे अलग अलग नहीं किया है इस चीज़ को, यहाँ पर कंप्यूटर लिखा नहीं है इन्होंने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टाइपराइटर में होगा। मेरे अनुमान से हिंदी टंकण जो है वो कंप्यूटर पर ही लिया जाएगा, क्योंकि अब टाइपराइटिंग का ये तो ज़माना नहीं रह गया, अब टाइपराइटिंग पर ये टेस्ट नहीं होता टाइपराइटर पर, ओके। इसके अलावा डोएक सोसाइटी द्वारा संचालित जो CCC है वो आपके पास होना चाहिए, जैसे ऊपर था, ऊपर NIELT वाला जो था उस पर CCC को लिया गया था, इस पर इन्होंने डोएक वाला किया हुआ है, ठीक है। या अगर डोएक का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, तो यूपी बोर्ड द्वारा जो संचालित पाठ्यक्रम होते हैं या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई पाठ्यक्रम होता है, उसमें से कोई एक डिप्लोमा होना चाहिए। कहने का मतलब है, इंटर में अगर आपने कंप्यूटर से किया हुआ है तो वो भी इसके समकक्ष माना जाता है। इसमें भी वही चीज़ है, बी प्रमाण पत्र होना चाहिए अधिमानी में, या प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा करी हो। अपर निजी सचिव उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद में भी सेम वही चीज़ें हैं जो ऊपर हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारी अधिमानी अर्हताएँ हैं यहाँ पर। अब आयु सीमा की बात करेंगे, तो 1 जुलाई 2023 को 21 वर्ष तक की मिनिमम आयु होनी चाहिए और 40 साल से अधिक वर्ष की आयु नहीं प्राप्त करी होनी चाहिए। यानी कि अगर आप देखें तो जन्म 2 जुलाई 1983 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2022 से बाद का नहीं होना चाहिए। दिव्यांगजनों के लिए जो अधिकतम आयु सीमा है वो कितनी है, 55 वर्ष है, यानी 1968 से पूर्व का उनको नहीं होना चाहिए। कुछ आयु सीमा में छूट भी है यहाँ पर, तो उस छूट को देखेंगे। जो उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी, वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ी तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के राजकीय कर्मचारी, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारी तथा उत्तर प्रदेश के अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत जो शिक्षक हैं कर्मचारी हैं, उनके लिए आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट अनुमान्य होगी। यानी 2 जुलाई 1978 से पूर्व उनका जन्म नहीं होना चाहिए।
इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए अधिकतम आयु सीमा कितनी है? 15 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, छूट की बात हो रही है, 15 वर्ष से अधिक नहीं होगी, ठीक है। और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए अधिकतम आयु सीमा जो है सेना में की गई सेवा अवधि प्लस 3 वर्ष के बराबर की छूट अनुमन्य होगी। परीक्षा प्रणाली के बारे में देखेंगे तो नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्र होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 वैकल्पिक उत्तर जैसे कि आप लोग अभी तक करते आए हैं, और 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो इसमें जो भी प्रोसेस है वो आपको पता ही है। SC और ST के लिए जो न्यूनतम दक्षता मानक है वो 35% का है, जबकि अन्य श्रेणियों के लिए 40% तक का, यानी कि इन परसेंटेज से अगर कम नंबर उनके आते हैं तो वो श्रेष्ठता सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे। एक महत्वपूर्ण चीज और है कि महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, ठीक है। पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे महिला अभ्यर्थियों के मामले में। चलिए अब देख लेते हैं कि परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम किस तरीके से होगा। तो 3 चरणों में ये परीक्षाएं आपकी होंगी। पहले चरण में 150 अंक का 3 घंटे का एक पेपर होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी तथा कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न होंगे, 150 प्रश्न होंगे, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान जो जनरल नॉलेज है वो वस्तुनिष्ठ होगी, 50 अंकों का इसमें पेपर होगा आपका। उसके बाद अगर बात करें तो सामान्य हिंदी की, तो उसमें 50 अंक की सामान्य हिंदी होगी, और जो कंप्यूटर ज्ञान होगा उसका 50 अंक होगा, यानी कुल 150 अंक हो गए। और ये जो प्रथम चरण की परीक्षा होगी इसके अनुसार 15 गुना अभ्यर्थी सफल घोषित किए जाएंगे और वो द्वितीय चरण की परीक्षा में सम्मिलित होंगे। द्वितीय चरण में क्या होगा? आशुलिपि टेस्ट होगा, कंप्यूटर टाइप टेस्ट होगा। परीक्षा योजना इसमें क्या है? 100 अंक का होगा, 1 घंटा 30 मिनट का रहेगा। आशुलिपि जो हिंदी में है वो 75 अंक की, और कंप्यूटर टाइपिंग जो है वो 25 अंक का, ठीक है। तो ये न्यूनतम मानक जो ऊपर अभी हमने आपको कहे उसमें जो अभ्यर्थी सफल होंगे वही तृतीय चरण की परीक्षा में सम्मिलित होंगे। तृतीय चरण की परीक्षा क्या होगी? वो कंप्यूटर प्रैक्टिकल प्रश्न पत्र होगा, 50 अंक का होगा, समय 1 घंटा होगा, 50 अंक का। और इन तीनों यानी तीनों चरणों के आधार पर जो अंक प्राप्त होंगे उनको जोड़कर शिष्टता सूची बनाई जाएगी और उसके आधार पर सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो इस सिलेबस के बारे में हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, एक अलग वीडियो बनाएंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी समझ में आ गया होगा। तो जल्द से जल्द अपना OTR नंबर प्राप्त करें और आवेदन करें।